सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं मेलिंग टैब के बारे में। देखिए, मेलिंग टैब के बारे में हम बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है इनवेलप। क्या दिया है? इनवेलप। तो जैसे कि अगर हमको इनवेलप्स बनाना हो अपनी एमएस वर्ड के पेज पे, तो हम कैसे इनवेलप्स तैयार करते हैं? इसमें दो व्यक्तियों का एड्रेस टाइप किया जाता है। जैसे कि इनवेलप्स आपने देखा होगा, अरे इनवेलप को हिंदी में क्या मतलब है? लिफाफा। इसमें दो व्यक्तियों का एड्रेस होता है। नहीं, एक आपका होता है प्रॉम्प्ट और एक आपका होता है, ये दो व्यक्तियों का इसमें एड्रेस देना होता है, ठीक है ना? टू का मतलब किसको भेजा जा रहा है और फ्रॉम का मतलब किससे भेजा जा रहा है, ये दो व्यक्तियों का नाम इसमें आपको टाइप करना है। तो जैसे कि मान लो चलिए मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया, ठीक है? और किसको ये लिफाफा पैक करके देना है? तो मान लो चलिए कि जैसे मैंने अपना एड्रेस दे दिया पढ़ रहा हूँ, और एक दूसरे के पास लोग शेयर करना चाहते हैं उनका एड्रेस, की मान लो चलिए मैंने आपको दे दिया राजेश, इनको एप्लीकेशन देना चाहते हैं या कोई हम ईमेल तैयार करना चाहते हैं। इसमें जो है, मान लीजिए कि ये राजेश सिंह का एड्रेस मैंने आपको डाल कर दिया, ये रहने वाले हैं चीपी के, दो लोगों का अलग अलग एड्रेस हमारे पास तैयार है। तो जैसे कि कोई लेटर अगर आपको फॉरवर्ड करना होता है, तो इसके लिए आपको इनवेलप्स की रिक्वायरमेंट आती है। एक इनवेलप्स जो पहले से ब्लैंक होता है, उसमें आपको कलम से लिखना होता है पूरा इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि प्रिंटेड हम इनवेलप्स तैयार कर सके, इसके लिए आपको एमएस वर्ड में इनवेलप्स का हेल्प आपको लेना होगा। मतलब इसके माध्यम से आप क्या करते हैं कि आप एक इनवेलप तैयार कर पाते हैं, और इसी इनवेलप को हम आसानी तरीके से प्रिंट करते हैं, और जिसके पास भी सेंड करना होगा हम आसानी तरीके से सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा इनवेलप होता है। इसी इनवेलप को हम एमएस वर्ड पे कैसे बनाएंगे, थोड़ी आज की क्लास में पढ़ने वाले। और प्लस उसी के जस्ट बगल में क्या दिया, लेबल्स दिया हुआ। तो देखिए, जैसे कि जब भी आपको इनवेलप तैयार करना हो, तो इनवेलप्स तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, इनवेलप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। देखिए, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें दो एड्रेस आपका दिया है, एक आपका दिया है डिलीवरी एड्रेस और एक आपका दिया है रिटर्निंग एड्रेस। तो जैसे कि दो एड्रेस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस में टू लिख सकते हैं और रिटर्निंग एड्रेस में फ्रॉम लिख सकते हैं। फ्रॉम का मतलब किससे भेजा जा रहा है और टू का मतलब किसको भेजा जा रहा है। जैसे कोई एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, या टू द डायरेक्टर, या टू द मैनेजर, या टू द ब्रांच मैनेजर, या टू द क्लास टीचर। तो टू किसको इंडिकेट करता है, सामने वाले को इंडिकेट करता है जिसको हम भेजना चाहते हैं एप्लीकेशन। तो वो ऐसा ही मतलब इनवेलप हमको तैयार करना है। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया सबसे पहले डिलीवरी एड्रेस, मतलब यहाँ पर मैंने दे दिया टू, मतलब किसको भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया राजेश, कुमार, मिश्रा, इनको हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं। इनका एड्रेस कहाँ है, तो मैंने एड्रेस यहाँ पे दे दिया। इनका एड्रेस मैंने दे दिया गोरखपुर, गोरखपुर प्लस इनका जो पिन कोड है, पिन कोड मैंने यहाँ पे अंकित कर दिया। और पिन कोड जैसे कि मान के चले के दे दिया मैंने 2743 02 फॉर एग्जाम्पल। और इसके बाद से आता है रिटर्न, और रिटर्न का मतलब ये होता है कि फ्रॉम मतलब किससे भेजा जा रहा है। तो इसमें हम अगर फॉरवर्ड करें तो मेरा एड्रेस रहेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम यहाँ पे टाइप करेंगे। अब फ्रॉम मतलब किससे भेजा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर दिया। जैसे कि मान के चलिए कि मैं इस लेटर को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया। हमारा एड्रेस कहाँ है, तो एड्रेस भी मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया पटरौना। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपको भरना है, तो पिन कोड भी मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। यहाँ पे पिन कोड फिलअप करने के बाद इसमें एक ऑप्शन और भी बढ़ सकता है, मोबाइल नंबर। इतना भरने के बाद और आपको आना है सबसे पहले ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, और यहाँ पे यस करिएगा, ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा।
समझ में आ रहा है। अब इसी को पी कंट्रोल पी करेंगे तो एसिडिटी आपका प्रिंट आउट, यही इन्वेलप्स होता है लगभग। साइज तो लगभग ऐसे ही होता है ना इसका, इन्वेलप्स का। आप यहाँ पे सिलेक्शन करके आप इसको और भी साइज को बढ़ा सकते हैं। देखिए आप जैसे ही कंट्रोल पी करेंगे तो ऐसे प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, ये आपका इनवेलप्स होता है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? अब चलिए इसके जस्ट बगल में हम बात करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है लेबल्स। क्या दिया? लेबल्स। तो लेबल्स के बारे में बात करें तो जैसे कि मान के चलिए कि जैसे मैं बहुत लोगों के पास कुछ लेटर फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, जैसे कि मान के चलिए डायरेक्टर सर के बारे में मान के चलिए, तो जैसे कि लेबल्स का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट पे स्टिकर चिपकाया गया होता है, बहुत सारा लेबल्स लगाया गया होता है, या सिस्टम पे भी आप चले जाएंगे तो बहुत सारे लेबल्स चिपकाए गए हैं कि सिस्टम नंबर 4 है, सिस्टम नंबर 5 है, सिस्टम नंबर 6 है, ऐसे सब नंबरिंग किया गया होता है, स्टिकर टाइप का लगाया गया होता है, उसी को हम लेबल्स बोलते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए हम अपनी बात करें तो जैसे इंस्टीट्यूट में कोई फंक्शन पड़ा और डायरेक्टर सर सबको इनविटेशन कार्ड फॉरवर्ड करना चाहते हैं या सबके पास लेटर भेजना चाहते हैं, तो फॉर्म में तो उन्हीं का नाम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन अगर हम टू के बारे में बात करें तो टू में सबका एड्रेस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बोलिए, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्टर सर करना चाहते हैं तो डायरेक्टर सर का तो एड्रेस चेंज होगा नहीं, और केवल बच्चों का एड्रेस चेंज हो जाएगा क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग जगहों से मतलब यहाँ आते हैं। तो मान के चले कि किसी का कुछ एड्रेस है, किसी का कुछ मोबाइल नंबर है, किसी का कुछ पता है, समझ में आ रहा है ना? तो सबका डिटेल चेंज हो जाएगा लेकिन सर का डिटेल चेंज नहीं होगा। तो ये चाहेंगे तो अपने नाम से एक स्टिकर यहाँ से बना सकते हैं लेबल्स के माध्यम से, और एक पेज पे प्रिंट आउट निकाल करके और आसानी तरीके से चिपका करके सबके इनवेलप्स पे लगा के भेज सकते हैं। तो इसके लिए हमको लेबल्स का इस्तेमाल करना होता है। तो ये लेबल्स हम बनाते कैसे हैं, तो आप चले आइए लेबल्स वाले ऑप्शन, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आए, यहां से हम इसको हटा देते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए कि सर को इनवेलप्स भेजना है, तो यहां पर मैंने टाइप कर दिया सर का नाम, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, या चलिए नए पेज पे हम ले लेते हैं, कंट्रोल एस से नया पेज में मेलिंग टाइप पे आइए, लेबल्स पे आइए और यहाँ पे आपको टाइप करना है। ठीक है, और इनका एड्रेस मैंने दे दिया कहाँ? पटरौना। अब ये सारे ईमेल्स पे इनका नाम चिपका करके सबको फॉरवर्ड करना। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप आ जाइएगा यहाँ पे ऑप्शन पे, कहाँ पे आना है? ऑप्शन पे, और 30 पर पेज आपको दे रहा है, मतलब एक पेज पे अगर आप डेटा देखेंगे तो ये लिखा हुआ नाम 30 बार आएगा। ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, कुछ ऐसे एनवेलप्स बन करके आ जाते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है सबसे पहले लेबल्स पे। लेबल्स पे आने के बाद जिसके भी नाम से आपको स्टिकर तैयार करना है उस व्यक्ति का नाम आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इनका एड्रेस, तो इनका एड्रेस मैंने टाइप कर दिया पडरौना। अब इन्हीं के नाम से आपको लेबल्स तैयार करना है और यहाँ पे ऑप्शन पे आने के बाद 30 पर पेज को सिलेक्शन करना है। सेलेक्शन करने के बाद जैसे ही नए डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने। आप इसी को कंट्रोल प्लस पी बटन दबा करके प्रिंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब सारे लोगों के लिफाफे पे सबका एड्रेस तो चेंज हो जाएगा लेकिन सर का तो नहीं चेंज होगा, आसानी तरीके से प्रिंट आउट निकाल करके और सब पे चिपका सकते हैं, सबको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये इसका वर्क होता है। हो जाएगा?
तो ये एक प्रकार का लेवल होता है जिसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है मेलिंग टैब में, ये है आपका स्टार्ट मेल मर्ज। क्या दिया है? स्टार्ट मेल मर्ज। इसको हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। जैसे देखिए स्टार्ट मेल मर्ज का प्रयोग में क्यों किया जाता है, स्टार्ट मेल मर्ज के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे कि मान के चलिए एक साथ अगर आपको मल्टीपल, एक साथ अगर आपको मल्टीपल इंप्लाई को अगर कोई मैसेज आपका आपको फॉरवर्ड करना है, लेटर फॉरवर्ड करना है, तो इसके लिए हम जो है स्टार्ट मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कि एसबीआई बैंक, ध्यान दीजिए एसबीआई बैंक, और इस एसबीआई बैंक में टोटल 13 इम्प्लाई काम करते हैं। कितने इम्प्लाई? 13 इम्प्लाई काम करते हैं, और इसमें 3 लाख के मैनेजर साहब भी हैं जो पूरी बेरोजगारों को देख रहे हैं। दीजिएगा जैसे कि आपके एसबीआई बैंक में, एसबीआई बैंक के 13 स्टाफ, 13 स्टाफ काम करते हैं, और एक मैनेजर साहब इसके शामिल है जो बैंक को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर पा रहे। अब जैसे ये मैनेजर साहब उन 13 लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन देना, कोई जानकारी देना या कोई लेटर इनको फॉरवर्ड करना, तो क्या इन 13 इंप्लाइयों का डेटा इनके पास मौजूद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, नहीं होना चाहिए। अगर रहेगा तभी तो ये डेटा फॉरवर्ड कर पाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन देना होगा दे सकेंगे। तो इंप्लाइयों की पूरी एड्रेस इनके पास अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करेंगे? सबको बुला करके और सारे लोगों का पूरा लिस्ट ये तैयार करें, किस इम्प्लाई का क्या नाम है, उसका क्या ईमेल एड्रेस है, उसका क्या मोबाइल नंबर है, वो कहाँ से आता है, किस पोस्ट पे काम करता है, ये पूरा इनका डेटा क्या करेंगे? पूछेंगे, और पूछने के बाद अपने कंप्यूटर में जब फिलअप करेंगे तब जाकर के वो एक साथ आसानी तरीके से मैसेज को फॉरवर्ड कर। समझ में आ रहा है ना? अगर पहले से मौजूद है तो इनको पूछने की जरूरत भी नहीं। तो स्टार्ट मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है जब एक साथ बहुत सारे लोगों को मल्टीपल मल्टीपल इम्प्लाई को एक साथ अगर कोई लेटर वगैरह फॉरवर्ड करना होगा, तो इसके लिए हम स्टार्ट मेल मर्ज का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में करते हैं। ये समझ में आया? तो सेम इसी के माध्यम से हमको स्टार्ट मेल मर्ज के बारे में समझना है। एक ब्रांच के मैनेजर है और इनके अंदर 13 इम्प्लाई काम करते हैं, और 13 लोगों के पास ही कुछ डेटा फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कोई लेटर भेजना चाहते हैं, तो ये कैसे एक साथ सभी लोगों को लेटर ये भेज पाएंगे? तो इसके लिए आपको स्टार्ट ईमेल मर्ज का प्रयोग करके सीखना। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इसमें हम कैसे तैयार करेंगे। आप बताइए, पहले से तो हमारे पास भी तो कोई इम्प्लाई का डेटा नहीं है। हम मान के चलिए कि अगर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो हमारे पास भी तो डेटा होना चाहिए ना। तो डेटा क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करिए, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाना सबसे पहले आपको मेलिंग टैब, और यहाँ पे आपको आना स्टार्ट मेल मर्ज। अब देखिए ये जो मैनेजर साहब को भेजना है, ये भेजना क्या है? लेटर भेजना है। क्या भेजना है? लेटर भेजना। तो ये चाहेंगे तो लेटर यहाँ पे सिलेक्शन कर, लेटर भेजना है, या चाहेंगे तो ईमेल मैसेज भी कर सकते हैं, या चाहेंगे तो इनवेलस भी भेज सकते हैं, या कोई लेबल्स भी बना करके भेज सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन आपका दिया। तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि मैनेजर साहब को जो लेटर भेजना है, तो सबसे पहले मैनेजर साहब इसमें लेटर को सिलेक्शन करें। अब देखिए अगर इनको 13 इम्प्लाइयों के पास भेजना है तो 13 का रिकॉर्ड होगा तभी तो ये भेज पाएंगे ना। तो यहाँ पे चले आएंगे आप सबसे पहले सेलेक्ट रिसिपिएंट। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है टाइप ए न्यू लिस्ट, सेकेंड ऑप्शन लिखा है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और तीसरा लिखा है चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। जैसे अगर इनके पास कोई डेटा मतलब मौजूद नहीं है, तो ये पहले वाले ऑप्शन का प्रयोग करके उन डेटा को बनाएंगे, सारी इम्प्लाइयों का वो डेटा तैयार करेंगे, और तब जाकर के सेकंड की बारी आएगी। अगर इनके पास अवेलेबल हो जाएगा तो यहाँ से उस लिस्ट को उठाएंगे, तब जाके फॉरवर्ड करेंगे। और तीसरा है तो आउटलुक कंटेंट्स, मतलब आउटलुक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करने के लिए मैसेज किया जाता है। तो इन तीनों में से क्या प्रयोग करेंगे बोलिए?
पहले वाला प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी भी इम्प्लॉय का कोई डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसके लिए आपको आना सबसे पहले सेलेक्ट रेसिपिएंट में, और यहाँ पे आपको ले लेना है टाइप एनी लिस्ट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है मेलिंग टैब पे, और मेलिंग टैब पे आने के बाद यहाँ पे आपको लेना है क्या लेटर। इसके बाद से आपको यहाँ पे आना, इसमें लेना है टाइप ए न्यू लिस्ट। जैसे ही टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए इतना सारा ऑप्शन आ गया। देखिए आप इसमें पे जो आपको चाहिए बस वही अगर आपको चाहिए, जैसे इतना सारा बेवजह का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए जैसे कि जितना चाहिए बस उतना ही आपको कॉलम ले ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 दिया है, एड्रेस लाइन 2 दिया है, चिप कोड आपका दिया है, तो इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। बस आपको एक सिंपली एड्रेस रखना, या फिर अपने वहां जीप कोड नहीं चलता, अपने वहां पिन कोड चलता है, तो जीप कोड को हटा करके क्या ले लेंगे, पिन कोड आप ले सकते हैं। लेकिन ये काम कैसे होगा, तो यहाँ पे आ जाइएगा कस्टमाइज कॉलम्स पे, ये ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाए। एड्रेस लाइन 1 हटा देना है, आप यहां से इसको डिलीट कर दीजिए। एड्रेस लाइन 2 को भी सिलेक्शन करिए, इसको भी आप यहां से डिलीट कर दीजिए। मतलब जो रिकॉर्ड हमको नहीं चाहिए उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। फिर ऐसे ही जीप कोड, तो जीप कोड को मान के चलिए डिलीट करने की जरूरत तो है नहीं, इसको हम चाहेंगे तो यहाँ से रिनेम कर सकते हैं, और जीप कोड को हटा के यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, पिन कोड यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है होम फोन, इसको भी डिलीट कर देते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क फोन, इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ईमेल एड्रेस भी नहीं चाहिए, इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। उतना ही फील्ड लीजिए जितना कि आपको रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि इसमें मोबाइल नंबर वाला कॉलम आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करिए और यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा मोबाइल नंबर। बस यहां से ओके कर दीजिए, और यहां से भी आपको ओके कर दें। देखिए उतना ही फील्ड आया जितना कि मैंने उसमें लिस्ट में सिलेक्शन किया। अब जैसे कि टाइटल, तो नाम से पहले टाइटल लगाया जाता है, बताइए होगा आपको, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मिस्टर, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रवि, और इनका लास्ट नेम मैंने टाइप कर दिया शर्मा। कंपनी नेम तो मान के चलिए कि मैंने दे दिया, किस कंपनी में काम करते हैं, SBI। सिटी पूछ रहा है तो सिटी में मैंने दे दिया इनका एड्रेस है पडरौना। फिर यहाँ पे स्टेट में क्या ले लेंगे, उत्तर प्रदेश यहाँ पे टाइप कर लेंगे। बस एक कॉलम बनाना था मोबाइल नंबर। इन दोनों का क्या प्रयोग है, जैसे इस मोबाइल नंबर को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, इस मोबाइल नंबर को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो मूव अप पे आपको क्लिक करना है। देखिए ऊपर लेके जा सकते हैं, या नीचे लेके आना, तो मूव डाउन पे क्लिक करके नीचे पे लेके आ सकते हैं। अब यहां से हम ओके करते हैं, बस ओके करते हैं। ऐसा इंफॉर्मेशन आ गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल लेना है, मिस्टर रवि। शर्मा इनका कंपनी का नाम मैंने दे दिया SBI। फिर सिटी में मैंने दे दिया पडरौना। स्टेट उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर पूछ रहा है,
मोबाइल नंबर वैसे कुछ भर देते हैं, फिर यहाँ पे टैग दबाते हैं पिन कोड 2743 04। यहाँ पे पूछा जा रहा है कंट्री, तो कंट्री में मैंने दे दिया इंडिया। फिर यहीं पे आपको टैब बटन दबाना है, तब दूसरे ऑप्शन पे लेके आएगा। फिर यहाँ पे मिस्टर राजेश, टैब दबा के आगे बढ़ना, कुमार। इनका एड्रेस, सॉरी यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया क्या, कंपनी नेम, फिर यहाँ पे एड्रेस मैंने टाइप कर दिया, फिर इसके बाद से स्टेट मैंने टाइप किया, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, बस यहाँ से 2743 04, फिर यहाँ पे हो जाएगा इंडिया। समझ में आ रहा है ना? ऐसे पहले पूरी इंप्लाई हूं तो आपको बारी बारी से लिस्ट बना लेनी। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया मैसेज, SBI, और इनका एड्रेस मैंने दे दिया रामकोला, उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे आते इनका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। फिर यहाँ पे इनका पिन कोड, और फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंडिया। फिर यहाँ से क्या दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे। इस तरीके से बहुत सारा आप डेटा तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब डेटा तैयार कर लेंगे तभी ऑप्शन हो पाएगा। देखिए मिस्टर राजू गुप्ता, इनका भी SBI मैंने टाइप कर लिया, और इनका एड्रेस मैंने टाइप कर लिया कस्या। फिर इनका उत्तर प्रदेश मैंने टाइप कर लिया, मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद से पिन कोड, तो पिन कोड भी मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंडिया। फॉर एग्जाम्पल की मैंने इतना इंप्लाइयों का लिस्ट बना लिया। बनाने के बाद आपको क्या करना है, ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन आएगा, ध्यान दीजिएगा, सेव करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कहाँ पे सेव करना है, तो मैंने लोकेशन ले लिया डॉक्यूमेंट, कहाँ पे सेव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, और किस नाम से, तो मैंने नाम दे दिया यहाँ पे SBI इम्प्लाई डाटा, और यहां से मैंने सेव कर। यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब चलिए, फिर मैंने इसको हटा दिया। फिर विंडो का स्टार्ट दबा करके MS वर्ड ओपन करते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए मैनेजर साहब पूरे इंप्लाइयों का लिस्ट तैयार कर लिए, अब इनको एक बार में मैसेज फॉरवर्ड करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मेलिंग टैब पे जाएंगे। इसके बाद से आपको आना है सेलेक्ट रेसिपिएंट पे, आप तो इसका इस्तेमाल तो करना नहीं है। अब यहाँ पे आपको आना है यूज एंड एडजस्टिंग लिस्ट पे, कि आपने मैसेज जो भेजना है उसका डेटा आपने कहाँ पे तैयार करके सेव किया। तो अभी मैंने कहाँ पे सेव किया है, डॉक्यूमेंट में। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले लोकेशन पूछे, लोकेशन में आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए, और किस नाम से, हाँ इसको मैं यहां से ओपन कर लूँ। ओपन करते ही कुछ फील्ड आपका हाईलाइट हो गया, इसके पहले हाईलाइट नहीं थी। अब चलिए, अब आप ये जांचना चाहते हैं कि लिस्ट में कितने इंप्लाइयों का मैंने नाम मेंशन किया, या कुछ गलती हो गया, उसको सुधार करना चाहते हैं लिस्ट में, तो आप आ जाइएगा एडिट रिसिपिएंट लिस्ट, ये पूरा इंप्लाइयों का डेटा आ जाए। सुधार करना है सिलेक्शन करिए, और इंप्लाई डाटा पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आप एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाए। और यहाँ से मान के चलिए कि रवि शर्मा ने लिखना था, मैंने गलती से रवि लिख दिया है, यहाँ पे हमको टाइप करना है राजन, तो आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। ओके करेंगे तो अपडेट हो जाएगी। चेंज हो गया, तो यहाँ से आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, और आप यहाँ से ओके कर दीजिए, सेव हो जाएगा। फिर आप आ जाइएगा सबसे पहले कहाँ पे, इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन। यहाँ से जो भी आपने फील्ड लिया, टाइटल लिया है, उसको इंसर्ट कराइए, फिर इंटर करिए। फिर यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिया है, फिर इंटर करिएगा। फिर यहाँ पे आपने लास्ट नेम लिया है, फिर आपने यहाँ पे कंपनी नेम लिया है, जो भी आपने फील्ड लिया, ये बारी बारी से पूरे फील्ड को हम इंसर्ट करा लेंगे। ये ऑप्शन नीचे कैसे आ रहा है, इंटर बटन से, ध्यान दीजिएगा कंट्री।
इतना मैंने इंसर्ट करा लिया। कराने के बाद इसके बाद से आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए हमको जो लेटर भेजना है वो लेटर मान के चलिए कि यही लेटर है जिन सारे एम्प्लॉयों के पास भेजना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए यही इतना लेटर है जो सारे एम्प्लॉयों को हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ये लेटर इतना ही सभी के पास भेजना चाहते हैं, यही सेम सेम लेटर है। आप लेटर अपना टाइप कर लीजिएगा जो लेटर आपको भेजना होगा, और यहाँ से हम इसकी कलर को चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आ सके। देखिए यही लेटर हमको सारे एम्प्लॉयों को भेजना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप टॉप पे आते हैं और यहाँ पे मेलिंग टैब पे आप आते हैं तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, हाईलाइट मर्ज फील्ड, मतलब जो फील्ड आपने यहाँ पे इंसर्ट कराया है अगर आप उसको मतलब हाईलाइट करके देखना चाहते हैं आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करिए, ये सभी फील्ड आपके हाईलाइट हो जाते हैं। फिर आप इसको हटाएंगे तो हट भी जाएंगे। फिर सबका अगर आप एड्रेस देखना चाहते हैं तो एड्रेस ब्लॉक पे आप चले जाइए, सबका अलग अलग एड्रेस दिखाएगा। देखिए ये राजन शर्मा का लिस्ट दिखा रहा है, इसके बाद से यहाँ पे राजेश कुमार का दिखा रहा है, इसके बाद से रागनी कुमारी, जो भी इम्प्लाइयों का आपने लिया है ये सब यहाँ पे एड्रेस अलग अलग दिखाए। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है ग्रीटिंग लाइन, अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे नाम से पहले आपने देखा होगा कि मिस्टर और मिसेज लगाया जाता है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम ग्रीटिंग लाइन का इस्तेमाल करेंगे और यहां से हम ओके कर लेंगे, ये ग्रीटिंग लाइन ऐड हो जाता है। इसके बाद से आपको आना है सबसे पहले कहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है रूल्स, रूल्स का कोई बहुत बड़ा वर्क नहीं है, बस इतना समझिए कि जैसे इसमें रूल्स दिया हुआ है तो अगला रिकॉर्ड अगर आपके जाना हो या यहाँ से बुकमार्क वगैरह कुछ ऐड करना हो तो इसके लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, वैसे बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है रूल्स। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका मैच फील्ड, मतलब जो फील्ड आपने यहाँ पे इंसर्ट कराया है उसको आप ये मैच करवा के दिखा सकते हैं कि क्या वो फील्ड दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करिए, ये सबसे पहले आपको मैच फील्ड पे क्लिक करना है। देखिए जो आपने लिया उसको मैच मैच लिखा हो और जो आपने नहीं लिया उसको नॉट मैच लिखा, दिख रहा है ना, जैसे देखिए यहाँ पे स्टेट मैंने लिया, सिटी मैंने लिया, फर्स्ट नेम लास्ट मैंने लिया था, तो जो मैंने लिया उसको मैच लिख रहा, जो नहीं लिया उसको नॉट मैच लिखा। इतना क्लियर करने के बाद, इतना देखने के बाद इसके बाद से आप आ जाइएगा यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सबका बारी बारी से रिजल्ट बता, इसका बता रहा है राजू गुप्ता का बता रहा है, सेकंड ये 4 नंबर का बता रहा है, प्रीवियस आना चाहते हैं तो प्रीवियस का रिकॉर्ड चेक करिए, रागनी कुमारी का बता रहा है 2 नंबर तो 2 नंबर राजेश कुमार का बता रहा है, फर्स्ट नंबर तो फर्स्ट नंबर राजेश शर्मा का बता रहा है रिकॉर्ड, सबका अलग अलग रिकॉर्ड आप यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। हटाना है तो आप इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिए पीछे हो जाएगा प्रैक्टिकल। इसके बाद यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका फाइंड रिसिपिएंट, जैसे कि आपने यहाँ पे प्रीव्यू कर लिया और आप किसी रिजल्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड रिसिपिएंट पे आप चले जाइए, इसमें कोई नाम बताइए, जो नाम आईडी में अभी टाइप किया था कोई नाम, राजू राजू, यहाँ पे मैंने राजू टाइप किया, देखिए राजू का रिकॉर्ड दिखा दे, दिखा रहा ना यहाँ पे, जो भी नाम आपको देना है, जैसे मैंने रागनी भी टाइप किया था, यहाँ पे रागनी टाइप करेंगे तो रागनी का रिपोर्ट आपको दिखा देगा कि ये भी लिस्ट में शामिल है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद चेक फॉर एरर्स का कोई उतना वर्क नहीं होता, अगर कोई त्रुटि है तो उसकी जांच करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आप यहाँ पे आ जाइएगा फिनिश एंड मर्ज वाले ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट और सेंड ईमेल मैसेज, इसमें आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ले लेना है फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, तो एक से लेकर के कई लिस्ट आपने बनाया है, 4, यहाँ पे आप 4 दे दीजिए। अब देखिए चारों लिस्ट अलग अलग पेज पे आपको शो करा के दिखाए, देखिए यहाँ से पहले पे किसका दिखा रहा है, राजन शर्मा, सेकंड पे राजेश कुमार, और थर्ड पे रागनी कुमारी, और फोर्थ पे राजू गुप्ता, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए पूरा ऑप्शन और डिसेबल हो, बस यहीं तक इसका प्रयोग रहा। अब जैसे ही कंट्रोल पी करेंगे अपना डेटा आप यहाँ पे प्रिंट करके और आप आसानी तरीके से सबको फॉरवर्ड कर सकते हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इतना सारा प्रैक्टिकल आप ऑफलाइन में जाके करेंगे।